और देश भर के अधिवक्ता मन अपन 10 सूत्रीय मांग ला लेके न्यायालयीन कार्य में हिस्सा नहीं लेवा थे। धरना प्रदर्शन के उपरांत प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाही। देखो रिपोर्ट। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नेतृत्व में शनिवार के दिल्ली में देश भर के स्टेट बार काउंसिल के आह्वान में कल बैठक ले गई, जेमो मनेन्द्रगढ़ के अधिवक्ता छत्तीसगढ़ राज्य विधि परिषद के नेतृत्व में शामिल हुई, जेमा सीनियर अधिवक्ता आर पी गौतम, आर के जैन, मधुसूदन तिवारी, प्रकाश शुक्ला, गिरजा शंकर जायसवाल, बी के खरे, गणेश अग्रवाल, कैलाश पांडे, अशफाक इराकी, राम नरेश पटेल, मुकेश अग्रवाल, शफीक खान, परवीन बानो, सुश्री तरनुम बानो, सुश्री मंजू बेनी, संजय गुप्ता, मुकेश अग्रवाल, विनोद पासी और सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे। एकर पर इकट्ठा हुए हैं कि हमारे जब प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी बने रहे, बने के पहले कहत रहे कि हमरे जब हमारे सरकार आ जाए तो हमरे कुछ मदद करब, अधिवक्ताओं का सहयोग कर, और वो काम ला आज तक पूरा नहीं करी से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी। एक बार याद दिलाए पर हमारे पूरा देश भर में आज वकील मन सब जगह पूरा देश में हड़ताल में बैठी है, और आज हमारे काम ले बिल्कुल अलग है। आज काम हमारे कोई वकील नहीं करती थी, सब हमारे बाहर टेंट लगा के बैठे हैं, और हमारे 10 सूत्री मांग है जिमें जैसे कि अधिवक्ता बन के बीमा करे, वो कम से कम 50-20 लाख का बीमा करेगा तो कोई अधिवक्ता का आकस्मिक मृत्यु हो जाता है तो बड़ा कठिनाई उठाना पड़ता है, परिवार में सहारा हो जाता है। चर्चा के बाद निर्णय ले गई इसकी 12 फरवरी के देश भर के अधिवक्ता न्यायालय के काम काज में हिस्सा नहीं लेवे और धरना प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे जाए। कोरिया ले डिजिटल रिपोर्टर संजय गुप्ता की रिपोर्ट।